यहाँ के विधायक कौन होंगे इस बार? शेटिया। अब के पड़े है मुकाबला, वो टाइम बताओ। ये कंडे तो कौन हारा कोई करे कंडो करा होगा लिखता अपना। जनता किसे जिताएगी? गोपाल सेतिया ने। की कहना चाहोगे, कौन बनेगा इस टाइम विधायक? कांग्रेस पार्टी का बनेगा। भी की कौन करे हो सकरी कौन दिखाई गोपाल कांड एक कराए हो बैठे। धन्यवाद ही दौरों करनी कौन है मुड़ के दो प्लान जिता के भेजो। गोपाल कांड तो 5 साल में नहीं, आखिरी बार आता है पैसे दे के बस वोट वाट ले लेता है। कांडो है कांडो एंड फेल रोडो है। हाँ, जनता किसे जिताएगी? जनता सेची ने। 10 किला जमीन है, 7 किला जमीन है, वो किसान ने नौकरी ना दियो ऐ कोई बात थोड़ी है। किसान की कोई मोल्टी को बाटो मार दियो। किन्हें जिताएगी जनता? जनता दे का कांग्रेस ने। विधायक तो इसकी बार गोपाल कांडा होगा, आप भी खुद यहाँ के विधायक गोकुल सेती होगा। कौन लगे चुटे तो रोल को दौड़ी है। गोकुल सेती है जी, बढ़िया यहाँ का लीडर बंदा बढ़िया है जी, यही काम करेगा यहाँ तो। इसके नाने ने 20 साल काम किए थे जी। किसका पलड़ा भारी है? गोकुल सत्ये का। समय से डिग में पानी है, पीने पानी को नहीं। अठा तो गोल से ही लगे मामला बेरो को नहीं। को आवे तो आतकों संभाले तो आतकों नहीं, सुधी तो ले को नहीं। किसे जताएगी जनता? मैं जीत तो मैं जाऊँ जेको वोट दे दो। किसानों की मांग जीत फसलों का क्लेम दे हमारे। पहले तो गुलाबी सुंडी का नुकसान हुआ है, फसलों का भाव दे पूरा। जनता का फैसला होगा। टक्कर तो है इसमें तो कोई दोरा ही नहीं है। टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस की है और किसी की नहीं है, कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी। बीजेपी बीजेपी की कौन जी, बीजेपी फैल है। इतना इतना पानी हो जाता है, मोटरसाइकिल आता है तो गिर जाता है, लेडीज आती है तो इसमें गिर जाती है, बेइज्जती हो जाती है। सरकार तो कांडा साहब बनेंगे जी यहाँ से, तो फिर उसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। मैं तो बीजेपी ने इन खिलाफ लाइन है, बीजेपी इन खिलाफ है। चुनावी मुद्दे? मुद्दा कौन ही, मैं तो ऐसे ही है बस। किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा पलड़ा तो अभी हाँ तो कांग्रेस हो जाता है। जनता का मूड नहीं, अब क्या कह सकते हैं। जैसे मेरा मूड है, मेरी पार्टी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। मैं लोकदल का सपोर्टर हूँ लेकिन कोई नहीं है, क्या करूँ। गोकुल सेतिया। किसके बीच मुकाबला? मुकाबला भी मुकेश आगे एकलो सीधो ही है। यहाँ के एरिया का देखो, ये बीजेपी की उम्मीद है ज़्यादा कि निर्दलीय दी सस्ता सीट पे निर्दलीय ही लगूगा गोकुल सेतिया। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1-800-212-3494 पर। नमस्कार, मैं रितु फटेला, इस वक्त देख रहे हैं आप सड़कनामा.com। जैसे कि आपको बताया रहना, मैं विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मेरी टीम यहाँ सिरसा विधानसभा के डिंग रोड पर मौजूद है। आइए जानते हैं हम जनता का मूड क्या है, किसे जिताएगी जनता? संजय गिरी। कहाँ से? जोधका गांव से। की कहना चाहोगे, कौन बनेगा इस टाइम विधायक? कांग्रेस पार्टी का बनेगा। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदा से खरा उतरी है जी? बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदा से खरा उतरी नहीं उतरी? की विकास होना चाहिए ने? की कह रहे हो कांग्रेस की करे आके, की उम्मीदा ने थोड़ी? गाँव में भी पूरा नहीं हुआ, गलियां वगैरह नहीं बनी है और काफ़ी काम नहीं हुआ गांव के अंदर। सिरसा के क्षेत्र में भी हमारे गांव में काफी काम नहीं हुआ है। मोदी को लड़ेगा ये। किसे जिताएगी जनता? मोदी को। कांग्रेस अब बनेगी तो अगले कुछ ना कुछ तो बनाएगी देगी। कितना का किस चीज विकास चाहिए? विकास क्या है, यही विकास सही है भाई। कोई गरीब आदमी को सहूलतें मिले अच्छी। किन्हें जिताएगी जनता? जनता देगा कांग्रेस ने। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदा से खरा उतरी बेकार बंदे डेली बेस ते रखे लाइट छड़दे नहीं हो बस कोई हाल नहीं इत्थे। किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा पलड़ा तो अभी हां तो कांग्रेस हो जाता है। उम्मीद है कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस तो पूरी है, ये यहाँ तो एक कांग्रेस सीट काट दिया पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा तो राजकुमार है जी। क्या लगता है आपको
इस बार यहाँ के विधायक कौन होगा? वही लग रहा है मेरे को तो, कांग्रेस की सरकार पड़ने जा रही है। कांग्रेस की सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी, तो कांग्रेस यहाँ से उम्मीदों पर खरा उतरे तभी तो फायदा है, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे आगे आने वाले टाइम में वोट। चुनावी मुद्दे क्या हैं? मुद्दों का तो हम क्या कह सकते हैं जी, फिर भी जैसे आप बोल रहे हो कि सरकार खरा उतरी नहीं, कांग्रेस सरकार आएगी तो उतरेगी। यही है जी, हम तो खेती बाड़ी करने वाले आदमी है, किसान आदमी है, बीज खाद स्प्रे वगैरह ये जो खेती बाड़ी में हम प्रयोग करते हैं उनमें खामियां हैं, फसलें वगैरह होती नहीं है, जमींदार के तो कोई प्रॉफिट है नहीं, ना कोई सरकारी नौकरियां वगैरह भर्तियां वगैरह कंप्लीट हो नहीं पा रही हैं, पेंडिंग में पड़ी हैं, पीछे की हैं या अब की हैं जो लटकाई में ले रहे हैं, होंगी या नहीं होंगी पता नहीं है, ये चल रहा है जी, ये खामियां ही हैं और क्या है। उम्मीद है कांग्रेस सरकार आएगी तो ये खामियां पूरी होगी। हो सकता है जी, खामियां पूरी करने की कह तो रहे हैं, बाकी क्या बताएं होंगी या नहीं होंगी। विधायक तो इस बार गोपाल कांडा होगा, आप भी खुद वो जीतेंगे यार। सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? हाँ खरा उतरी है, बढ़िया सही काम चल रहा है, बस बीज बाज की ये तो कमी है ही है, बीज तो कुछ नकली है, बीज में कुछ प्रॉब्लम कमियां है ही है। हाँ बीज में भी है, खाद पहले 50 किलो कट्टा था 40 के कर दिया कह रहे हैं, वो रेट तो वही पड़े है, पैदावार कम हो रही है, पैदावार हो रही है थोड़ी बहुत, उसका कोई जायज रेट नहीं है, 4,000-6,000 नरमा बिक रहा है, कम से कम 9-10,000 के करीब बिकना चाहिए, अच्छे बीज मिलने चाहिए, अच्छी दवाइयां वगैरह आनी चाहिए बाजार में, तभी किसान उभरेगा, किसान तो 3-4 सालों में मर रहा है पिछले सालों से, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बच्चे पढ़ा रहे हैं लोग, भर्तियां चल रही हैं जो पेंडिंग में 8-10 साल से, जो ग्राम सचिव की है यहाँ हरियाणा में पिछले 10 साल से वो भर्ती कंप्लीट ही नहीं कर पा रही है सरकार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जी। तो हम तो खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं जी, खेती में खर्चा ज़्यादा लग जाता है, फसल होती नहीं। ना ना सीख रही है, इनसे पूछो जी, मास्टर जी क्या नाम है? सुभाष चंद्र जी। कहाँ से हैं? डिंग मंडी से। क्या काम करते हैं? एज ए टीचर। मतलब क्या लगता है सरकार आपको ये जो शिक्षा के क्षेत्र में सही से चल रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, ऐसा सिस्टम बना दिया कि कोई अध्यापक अपना काम करना ही पड़ेगा उसको। कौन जीतेगा? ये तो पब्लिक जिताएगी, न तो आप जिता सकती न मैं जिता सकता, ये पब्लिक जिताएगी, जनता जनार्दन है। किसके बीच का मुकाबला मिलेगा है? किसके बीच मुकाबला चल रहा है? कांग्रेस बीजेपी मुकाबला तो इन दोनों पार्टी, कांग्रेस बीजेपी, कोई तीसरी पार्टी तो नहीं है, तीसरी नहीं जो है ना वहाँ पहुँच गया, ऊंचे पद पर पहुँच गया, नहीं तो जी मतलब ही नहीं था, वो तो उनके अधिकारियों के या तो या इन लीडरों के, उन्हीं के बच्चे जाते थे फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर जो है। जनता फिर बीजेपी सरकार को जिताएगी? गरीब का बच्चा जान लागे, जनता फिर बीजेपी सरकार को जिताएगी? ये जनता का फैसला होगा, ये तो है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है, टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस की है और किसी की नहीं है, कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी, इन दोनों के बीच ही है, 19-20 का आंकड़ा कर लो या 20-21 का कर लो ये चलेगा, और नहीं है जी इन दोनों। क्या नाम क्या आपका? रविंदर कुमार। कहाँ से आप? डिंग मंडी से। क्या लगता है इस बार विधायक कौन होंगे विधानसभा के? इस बार विधायक यहाँ सरसा से तो कांडा ही बनेगा, और बाकी टक्कर जो है कांग्रेस की और उसकी भाजपा की है। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? सरकार ने कोई खास काम नहीं किया, जो चुनावी वादे कर रही है खोखले वादे हैं, सारे जितने भी किए हैं इसने मुख्यमंत्री ने सारे खोखले वादे किए हैं, एक भी पूरा होने वाला वादा नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या विकास होना चाहिए? विकास तो रोजगार मिलना चाहिए सबसे पहले तो लोगों को, ये जो 80 करोड़ लोगों को जो ये दाने दे रहे हैं ये तो बेकार का काम है। एक ये जो हमारी रोड है पूरे 5 साल से पड़ी है, 5 साल से इस रोड के ऊपर कोई काम नहीं है, जो पंजाब से लेकर राजस्थान तक जाती है। जनता चाहती है कि आपकी जो मांग है पूरी की जाए। हाँ जनता तो चाहती है मांग पूरा करने के लिए। कितने टाइम से रोड की समस्या चल रही है? रोड हो गई मैडम 8-10 साल हो गए जी, इसको बारिश आती है तो पानी इतना बढ़ जाता है, इसमें कुछ मत आप। सरकार को बोला नहीं? सरकार को क्या किया, हम तो किसी सभी को कह दिया जी, दुग्गल साहब को भी कहा था रुकवा के, यहाँ बोला है उनको, कोई सुनाई होती नहीं जी।
क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार जी? सरकार तो कांडा साहब बनेंगे जी यहाँ से, तो फिर उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हाँ बिल्कुल उतरेंगे जी, पहले भी उतर रहे हैं अब भी उतरेंगे। अगर इतना इतना पानी हो जाता है, मोटरसाइकिल आता है तो गिर जाता है, लेडीज आती है तो इसमें गिर जाती है, बेइज्जती हो जाती है, मोटरसाइकिल भी इसमें बढ़ जाता है तो स्टार्ट नहीं होता है, इतना काम होता है इसमें। और रोड है सभी, इसमें इतना इतना पानी गिर जाता है, मतलब ये रोड की और पानी की समस्या ज्यादा चल रही है, निकासी नहीं। हाँ जी, चार रुपये का दोनों पास का रोड है ना, इसी रोड में बहुत दिक्कत आ रही है हर एक आदमी के। क्या नाम क्या आपका? इंदर सिंह। किसे जिताएगी जनता? है जनता किसे जिताएगी भाई? लेनिन का शैलजा जीती है, अब वोट में तो कांग्रेस ने देगा। सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगी? बीजेपी उन तंग आ गया है। बीजेपी की सरकार ने कोई विकास नहीं किए? है कोई विकास कौन किया, हमारे तो आगड़ी उठी ट्रेडी बढ़िया देख ले। क्या चाहते हैं, क्या विकास होनी चाहिए जब कांग्रेस सरकार आए? काम होना चाहिए, कोई छोरा नौकरी लगनी चाहिए है, और नौकरी लग रहा बारह काट दिया है, अब वो तो कह 10 किला जमीन है, 7 किला जमीन है, वो किसान ने नौकरी ना दियो, ऐ कोई बात थोड़ी है, किसान की कोई मोरिटी को बाटो मार दिए। मेरा नाम धर्मवीर है जी, दैया। कहाँ से हो? डिंग मंडी से है जी। क्या बता रहे थे? गोकुल सेतिया जी, बढ़िया यहाँ का लीडर, बंदा बढ़िया है जी, यही काम करेगा यहाँ तो, इसके नाने ने 20 साल काम किए थे जी। हाँ वो बढ़िया है। बीजेपी सरकार अपनी गोपाल कांडा तो 5 साल में नहीं, आखिरी बार आता है पैसे दे के बस वोट वाट ले लेता है गरीबों से, ये बढ़िया नहीं है लीडर गोपाल, और जो को है नी गोकुल सेतिया, ये बढ़िया है जी, इसको अगर पहले उठ जानता नहीं एमपीआर इलेक्शन में जो वो कांग्रेस में, तो कांग्रेस ही सीट मिल जाती जी, अब देखो कांग्रेस ही सीट मिल जानी तो बहुत बढ़िया, बहुत टाउन जीती जाए वो। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? बीजेपी सरकार जी आ तो किसाना विरोधी है, वो तो मोदी सरकार कोई कानून काट है भाई, किसी खिलाफ काट है, क्या करा उम्मीद तो बढ़िया है, नौकरी नाकरी हम तो ठीक करियो लोगों ने भाई, बच्चा है नहीं जी का भी ना रिश्वत लागता तो ठीक है, पर तो किसाना लेर पड़ रहा है, किसान ने कोई चीज़ को भाव कौन दे? क्या बड़ी समस्या है किसानों के लिए? किसानों जी, किसान तो आत्महत्या करने मजबूर हो रही है, कोई आमदनी को नहीं किसान के, बस घाटे ही घाटा वो काम है। चुनावी मुद्दे क्या हैं? और चुनावी मुद्दे जी, किसान ना तो कोई भाव मिलने लग रहा है, किसान कर्जा में डूबे बगे बस जी, और मोदी कोई सुनाई कौन करे, अब कहा 2000 रुपया गिरा किसाना को गिरिया नहीं तुरते रहो। क्या नाम क्या है आपका? नथुराम। कहाँ से आप? डिंग मंडी का। किसका पलड़ा भारी है? गोकुल सत्या का, मैं तो गोकुल सत्या ने वोट देना रहा। क्या सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगी? हाँ ये गोकुल सेतिया, ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हाँ उतरेगा, फुल वोटे से, बढ़िया छोरा है। और चुनावी मुद्दे क्या हैं? बढ़िया इंगो ये मारा लिए तो बैठा, तो किसके बीच मुकाबला होगा? मुकाबला जी कोई कैंडिडेट आवेगा जो बीरो पड़ोगा, अभी तो के बीरो है। चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दा तो अब के मारा तो जी किसाना हो तो घना ही एक है। क्या बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? है बीजेपी, बीजेपी की कौन जी, बीजेपी फैल है, कोई काम की को नहीं। प्रकाश, इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? गोकुल सेतिया। किसके बीच मुकाबला? मुकाबला भी मुकेश आगे एकलो उसी तो ही है। चुनावी कोई मुद्दे? मुद्दा क्या है वो, मुद्दा तो आओ जो वो। जनता को किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, कोई समस्या? समस्या डिंग में पानी ही है, पीने पानी को नहीं, और समस्या समस्या है कोनी रे भैया। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? वो उतर के गई बताओ, बीजेपी उतरा उतरी गई, कोनी बीजेपी नाम हो रही। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम अमर सिंह। यहीं से आप? हाँ यहीं से आप। आपको क्या लगता है यहाँ के विधायक कौन होंगे? कौन लगे सुते तो रोड़ को दौड़ी है। सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? हाँ सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? खरा उतरे कोई को नहीं उतरा खरा खरा। कितना की विकास हुआ इस गांव का? हाँ कितना विकास हुआ इस गांव का? विकास की को नहीं हुआ यार, तो ठीक है को नहीं, जगह जगह ढेर पड़े, जगह जगह खड्डा पड़े थे, अटक रहा है वो विकास था। जनता किसे जिताएगी? जनता को कोई बेरोकारी
जनता को कोई भेद को लागन लाग रहा। नाम क्या आपका? रतन सिंह। यहीं क्यों? हाँ। क्या लगता है यहाँ के विधायक कौन होंगे? कांडो है, कांडो फेल रोड है। हाँ। जनता किसे जिताएगी? जनता और सेतियन। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? नहीं नहीं, सरकार ने फेल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे किसानों के बारे में? मैं तो बीजेपी ने इन खिलाफ लाइन है, बीजेपी इन खिलाफ है। चुनावी मुद्दे? मुद्दा कौन ही, मैं तो ऐसे ही हूँ बस। आप ले दे गल वोट देना से कल है। सुरेंद्र, इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? विधायक जी सेतिया बनेगा। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? हैं, बीजेपी सरकार ना जो कौन उतरी, किसानों के लिए काम नहीं किए जी। क्या भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा किसानों को? किसानों को तो 3 साल हो गए नरमे फसल हो नहीं रही जी, ना कोई क्लेम मिल रहा है यहाँ पर किसानों को। किसानों की ये मांग है? किसानों की मांग जी, फसलों का क्लेम दो हमारे, पहले तो गुलाबी सुंडी का नुकसान हुआ है, फसलों का भाव दो पूरा। बीजेपी सरकार में नहीं मिला आपको? यहाँ के विधायक कौन होंगे इस बार? सेठिया। किसके बीच मुकाबला चल रहा है? मुकाबले का मेरे को जाननी है पब्लिक में किसके बीच। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? नहीं। चुनावी मुद्दे क्या है? चुनावी मुद्दे उसके तो बहुत हैं बीजेपी के, तो कर्जा माफी है वो नहीं दे रही, ऐलान किए हुए उसको 1 साल से ऊपर हो गया, और ना बीमा दे रही है, धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं, और ना किसान को भाव मिल रहे हैं, ना फसल अच्छी हो रही है, ना बीज बढ़िया मिल रहे हैं, ना दवाई बढ़िया मिल रही है। उम्मीद तो यही रखते हैं कि वो बढ़िया भाव दे, बढ़िया खाद बीज दे, बढ़िया दवाई दे, बीमे की मुआवजे की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता किसे जिताएगी? जनता, जनता जो विधायक बढ़िया होंगे, जो काम आगे बढ़िया करेंगे उसको जिताएगी। अब कांग्रेस किसको खड़ा करती है वो भी कोई वो भरोसा नहीं है अभी तक। अब एक कांडा है जो हो सकता है भाई वो पक्का अपना इंडिपेंडेंस खड़ा हो सकता है। बीजेपी भी कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ, तो किसी का बेस नहीं है। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? भाई ये हरियाणा सरकार तो नहीं उतरी खरी, क्योंकि कई वादे कर रखे हैं, लेकिन जैसे अभी 2000 रुपये देने का कह रखा था, लेकिन एक पैसा भी नहीं आया अभी तक, लोग रोज देख रहे। बाकी वैकेंसी वैकेंसी निकालती है, कुछ उसके आ जाते हैं, वो जो है बाकी कुछ बिल्कुल खरी तो नहीं है, पर 25% तो मार्क्स देंगे इसको। क्या विकास किए इन्होंने? विकास इन्होंने जैसे अभी यहाँ हमारे गांव में है, पानी की समस्या है, आज तक कभी नहीं हुआ, अब पानी की पाइपें लग रही हैं। कितने सालों से चल रहा है ये? ऐसा तो स्वतंत्रता के टाइम से ही चल रहा है, पहले पानी नहीं था, आज भी पानी नहीं है यहाँ पे। अब मेरा घर है, मेरे पास पानी नहीं आता है, मैंने अपना एक ट्यूबवेल लगा रखा है जिसका पानी ख़राब है, उसका पानी लेते हैं, आरओ से करके पीते हैं या नहर से खरीद के पीना पड़ता है। अब मुकाबला यहाँ तो अब किसका कह सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा का ही हो सकता है, या कांडा कांडे का मुकाबला हो सकता है किसी के साथ हो, हमें तो वही लग रहा है। जनता का क्या मूड है? जनता का मूड जी अब क्या कह सकते हैं, जैसे मेरा मूड है, मेरी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, मैं लोकदल का सपोर्टर हूँ लेकिन कोई नहीं है, क्या करूँ, लोकदल का हूँ लेकिन मुझे कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा। क्या नाम क्या है आपका? राकेश। कहाँ से आप? डिंग मंडी से। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? अट्ठा तो गोल से ही लगे मामलों मेरे को नहीं पे कोवा दात कौन समाड़ा दात को नहीं सुधी तो ले को नहीं कोई। चुनावी मुद्दे क्या हैं? मुद्दा पड़े नहीं मारते, वो पुल भरी पड़ी है पानी को, सोनो बड्डो बोर मंडी भरी पड़ी है। कितने सालों से ये चल रहा है? वो घने सालों हूँ, मेरे तो जन्म चलना रही है प्रोग्राम है, जन्म हो तो यहीं देखने लगे मैं तो। किसे जताएगी जनता? मैं जीत तो मैं जाऊँ जेको वोट दे दो है अब करांगे। क्या नाम क्या आपका? मिलाप सिंह पचार। कहाँ से हैं आप? डिंग मंडी से। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? यहाँ के विधायक गोकुल सेतिया होंगे। चुनावी मुद्दे क्या हैं?
चुनावी मुद्दा तो घना ही है, पोर्टल सारों खराब है, बस पोर्टल बंद हो जाए सारी समस्या मिट जाएगी हमारे। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? कुछ नहीं है, कोई मुद्दे पर नहीं बीजेपी का। क्या विकास हुए है इतने टाइम तक? क्या जगी घोषणा पड़ी है, पत्थर लगे पड़े हैं, कोई किस हफ्ते आए को नहीं मान लो, कोई पैसा नहीं आ रहा मान लो, बीजेपी गोलमाल है, कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है, बस बेरोजगारी तो पड़ेगा, घोषणा करती है काम होता नहीं मान लो। बस क्या उम्मीदें हैं आपकी? और रिंग मोड़ सड़क टूटी पड़ी है, मैंने शिकायत कर रखी है, तो ठेकेदार कह रहा है, बोले मेरा क्या बिगड़ा है ठेकेदार, माने शिकायत जो शिकायत करता है नहीं उसकी काम कार्रवाई नहीं करती मालिक सरकार, बस बस और कोई समस्या। अब की सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? अब की सरकार की आप क्या उम्मीद? वो तो बनने बाद में पता लगेगा अभी क्या है। फिर बताऊंगा। नाम क्या आपका? कान्हा राम। कहाँ से हैं? डिंग मंडी से। आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दे क्या हैं? मैं तो चुनाव तो कौन ही मान रहा हूँ, मुझको किसी की बात है कहना ही फिर आई यहाँ। मुकाबला किसके बीच होगा? मुकाबला वो टाइम बताओ, ये कंडा हो रहा है, कंडा तो कौन ही हारा, कोई घर है हारा, उसे एक मुकाबला दो कंडा कराओ, लिखता अपना जनता किसे जिताएगी? कण गोपाल सेठी ने। क्या लगता है आपको इस बार यहाँ के विधायक कौन होंगे? अब के भी रुप गए हैं। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? चुनावी मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हो गए रो माने किंग कर दे। क्या नाम क्या आपका? संजय। कहाँ से हैं आप? डिंग मंडी से। चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दा सारा ही है। कोई ठोस मुद्दा? ठोस मुद्दा किसाना बफर मिले, मुआवजो सब कुछ मिले, बिम्बो सारे दे देगे थाने, बफर मिले जी, बफर मिले, फुल काम होने लगे, कोई चक्कर को नहीं। किसके बीच मुकाबला होगा? अब ती कैंडिडेट खड़े को नहीं, कैंडिडेट नाम डिक्लेयर को नहीं, मुकाबला बटवा हो। जनता के किसे जिताएगी? तो जनता कैंडिडेट को नहीं, अब ती फिलहाल है कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, कैंडिडेट तो आने वाले हैं ना, तो आओ जो देखा हम कोई गोपाल कांडा गोकुल से थी कांग्रेस से बीजेपी, दो बार जिता के भेजो, दो बार जिता के भेजो, मुड़ के धन्यवाद दौरो कौन जी को नहीं हो आए को नहीं, मतलब अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं की कौन करियो, सकरी कौन दिखाई गोपाल कांड है एक कराए हो बैठे, धन्यवाद दौरो कौन नहीं को नहीं, मुड़ के दो प्लान जिता के भेजो। किसे जिताएगी जनता? बीजेपी नहीं जिताएगी जी, बढ़िया गरीबों की मसीहा पार्टी है। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? देख जी। क्या विकास किए? अच्छा किया जी। चुनावी मुद्दे कोई? कोई नहीं मुद्दा अभी तक यहाँ के, क्या बताऊँ अभी कोई पता नहीं अपने को तो भाई। किनके बीच मुकाबला होगा यहाँ के एरिया का? देखो ये बीजेपी की उम्मीद है ज़्यादा। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? बीजेपी पलड़ा तो हजे तो उम्मीदवार आवे फिर पता लगेगा जी। गोकुल सेती है गोपाल कांडा कांग्रेस है बीजेपी। देखो जी पलड़े की गल करिए तो पिछे तो गोपाल कांडा ही अगे रहा, दो तीन बार जितया भी आ, पकड़ भी हैगी, पर गल है कि वो टक्कर देने वाला गोकुल सेती है अगे, एक्टी चांस उन्होंने ज्यादा आ, निर्दलीय है उम्मीदवार, तो बाकी बीजेपी तो एक्टी सपोर्ट कितों भी नहीं मिलती, सेंटर वालों भी तुम्हें पता ही आ। मतलब बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदा तो खरा नहीं उतरी इन्ना टाइम? वो तो जी सारे भी पता जी, तुम भी अंजान नहीं हो, तो लोग भी सियाने ने हम पढ़े लिखे अगे आ रहे हैं, हम पंजाब से भी जोड़े अपने पंचायती वोटा होनी वो भी बीए करती ने, मतलब पहला प्लस टू तो सगिया, तो हम अगे पढ़े लिखे आने तो उन्होंने पता ही है कि बंदा ठीक है देश वास्ते जनता वास्ते, तो उन्होंने लैके आने अगे। की उम्मीद करते हो सरकार तो? सरकार तो उम्मीद जी जो जनता दे मुद्दे आ, चुनावी मुद्दे की ने? चुनावी मुद्दे बहुत है जी, पहला तो शिक्षा, फिर हो गया जी महिला का सुरक्षा जो मेन मुद्दे आ, ये दो काम है, फिर अपने आम जनता नू महंगाई तो राहत देनी, ये सारे ते फेल आ बीजेपी पिछले 10 साल तो, बाकी निर्दलीय की सरसा सीट तो निर्दलीय ही लगेगा गोकुल सेठी।